एक दिन जंगल में एक शेर गहरी नींद सो रहा था। पास में ही एक छोटा चूहा खेल रहा था। खेलते खेलते चूहे ने ध्यान ही नहीं दिया कि शेर सो रहा है और फिर शेर के ऊपर भी कूदने लगा। शेर की अचानक नींद खुल गई। वह जोर से दहाड़ा, कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा? आज वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, मैं उसे खा जाऊंगा। और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा बहुत डर गया। चूहे को अब समझ आया कि जिसके ऊपर कूदने में उसे इतना मजा आ रहा था, असल में तो वो शेर है। चूहा हाथ जोड़ के बोला, अरे शेर महाराज, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप सो रहे हैं, नहीं तो मैं आपके ऊपर क्यों कूदता। प्लीज अगर आज आप मुझे जाने देंगे, मुझ पे दया करेंगे, तो हो सकता है किसी दिन मैं भी आपकी मदद करूं। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, अरे पिद्दी से चूहे, तू भला मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन चल जा, आज मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन आगे से कभी भी मेरी नींद खराब मत करना। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने शेर को बहुत सारा थैंक्स बोला और हंसते हंसते वहां से चला गया। एक दिन शेर जंगल में ऐसे ही मस्त होकर घूम रहा था। रास्ते में शिकारी ने जाल बिछा रखा था जो शेर को दिखाई ही नहीं दिया और शेर जाल में फंस गया। अब तो शेर बहुत डर गया, वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। पास ही छोटा चूहा खेल रहा था। वह तुरंत शेर की आवाज पहचान गया। वह भागा भागा शेर के पास आया और जाल में फंसे शेर को देखकर बोला, महाराज आप डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं भी आपको आजाद कर दूंगा। चूहे को देख के शेर बहुत खुश हुआ। चूहे ने फटाफट तुरंत ही जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। अब शेर ने सोचा कि वाकई वो कितना गलत था। वह सोच रहा था कि ये छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा, लेकिन आज इस छोटे से चूहे ने ही शेर की जान बचा ली थी। इसलिए कहते हैं ना, किसी को खुद से कम या छोटा नहीं समझना चाहिए। अब शेर और चूहे बहुत अच्छे दोस्त बन गए।